हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फरवरी महीने में लगाई जाने वाली फसलों के नाम को, जिनसे आप लोगों की आमदनी एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है भिंडी। 20 जनवरी से इसकी बुआई करें और अगर आप लेट हो गए हैं तो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच इसकी बुआई ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप भिंडी की बुआई जल्दी करेंगे तो भिंडी की शुरुआती बाज़ार रेट 50 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा मिलती है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हरी मिर्च। दोस्तों, हरी मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे 365 दिन भारत के सभी मंडियों में बनी रहती है। दोस्तों, फरवरी महीने में लगाई गई मिर्च की फसल को आप अगर गर्मी की हवाओं से बचा लेंगे, यानी आप अगर अपने खेतों में स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल भी कम नहीं होगी और फसल निकालने के टाइम इसकी रेट भी बहुत बढ़िया मिलेगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बीन की खेती। तो दोस्तों, बीन को गवार भी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। गवार को आप फरवरी में लगाएंगे तो इससे अक्टूबर नवंबर तक आप फसल ले सकते हैं, जिसका रेट बढ़िया मिल सकता है। इसकी वैरायटी की बात करें तो दोस्तों, हमारे यहाँ नीलम वैरायटी ले सकते हैं। चौथे नंबर पर है खीरा की खेती। दोस्तों, फरवरी महीने में आप खीरा फसल लगा सकते हैं। फरवरी में लगाए गए खीरे को आप अप्रैल महीने में तोड़कर बाज़ार में बेचोगे तो इसका बढ़िया रेट मिलेगा, क्योंकि उस टाइम शादी सीजन चलता है, जिससे उस टाइम इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। पाँचवें नंबर पर है लौकी। फरवरी महीने में अगर आप लौकी लगाओगे तो इसकी भी फसल आने के टाइम तक शादी सीजन चलती रहती है, जिससे इसकी भी डिमांड अच्छी रहने की वजह से आमदनी बढ़िया होती है। छठे नंबर पर है धनिया। दोस्तों, धनिया ऐसी फसल है जिसे 3 से 4 बार काट सकते हैं। पहली कटाई बुआई के 15 से 20 दिन पर, दूसरी कटाई पहली कटाई के 20 दिन बाद और तीसरी कटाई उसके 20 दिन बाद ले सकते हैं। दोस्तों, एक साथ दो फसलों की बात करें तो धनिया को मिर्च के साथ लगा सकते हैं, भिंडी के साथ लगा सकते हैं और लौकी के साथ लगा सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी एक महीने के अंदर होने लगेगी। शुक्रिया दोस्तों।